सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस 12 को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टिकट टू फिनाले में दावेदारी के तौर पर दीपिका कक्कर, दीपक ठाकुर और सुरभि राणा का नाम सामने आया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सुरभि ने बाजी मार ली। सुरभि सीधा टिकट टू फिनाले वीक की तरफ पहुंच गई हैं और इसके साथ ही घर से बेघर होने के लिए इस बार दीपक ठाकुर, दीपिका कक्कर, श्रीशांत, रोमिल चौधरी, करणवीर बोहरा और सोमी खान इनके नाम कतार में हैं। इस महीने के अंत में यानी कि 23 दिसंबर को बिग बॉस 12 का फिनाले होगा। हालांकि विनर के तौर पर दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक है रोमिल तो दूसरा दीपिका कक्कर। जी हाँ, मीडिया में इन दोनों के विनर बनने की चर्चा काफी तेज हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वीक एक नहीं बल्कि दो कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हो जाएंगे। अगर डबल एलिमिनेशन की बारी आती है तो इस वीक करणवीर बोहरा घर जा सकते हैं। जैसा कि हमेशा ही देखा गया है कि ज्यादा ही अच्छे कंटेस्टेंट्स को शो से बाहर कर दिया जाता है। पिछले सीजन में हितिन तेजवानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले सोमी की लोकप्रियता काफी कम है और ऐसा माना जा रहा है कि इस वीक वो घर से बेघर हो जाएंगी। वीकेंड यानी कि रविवार को इसका नतीजा सामने आएगा। मिडवीक एलिमिनेशन की खबर ये भी है कि फाइनल वीक में एक मिडवीक एलिमिनेशन भी होगा, जहां पर टॉप 5 कंटेस्टेंट में से कोई एक बाहर हो जाएगा। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।